नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जैन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज कुछ ऐसे अपडेट्स जो हमारे व्यापारी वर्ग को काफी काम आने वाले हैं। बिल्कुल इन 21 दिनों के लॉकडाउन पीरियड की जो बात की जाए, जो कि एक क्रूशियल मंथ ईयर एंड का होता है, मार्च 2020 के दौरान हुआ है। कई अफवाहें मार्केट में, सबसे पहले हम बात करें उन्हीं अफवाहों की, मार्केट में बहुत सारी अफवाहें हैं कि जो 31 मार्च 2020 का ईयर एंड है वो आगे शिफ्ट हो चुका है 30 जून तक। आप बिल्कुल ऐसी अफवाहों पे ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसा कोई भी एक्सटेंशन नहीं हुआ है। हमारा ईयर एंड क्लोज 31 मार्च 2020 वैसे ही होगा जैसे कि नॉर्मल कोर्स में ईयर एंड होता है। हमें वही प्रोविजन, उसी तरीके से अकाउंटिंग, सारे ट्रीटमेंट वैसे ही रहेंगे जैसा कि होना है। हाँ, इस लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिलीफ अनाउंस किए हैं, वो वाकई में हमें ध्यान में रखने हैं। हम इन्हीं रिलीफ की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में सबसे पहला रिलीफ जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड है, कोई भी एसएससी जिन्होंने अपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 का रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक फाइल नहीं किया है, उसकी लास्ट ड्यू डेट थी 31 मार्च 2020, वो अब एक्सटेंड करके 30 जून 2020 हो गई है। नंबर दो, आधार लिंकिंग। जो आधार लिंकिंग की बात करते हैं, जिसकी लास्ट ड्यू डेट 31 मार्च 2020 थी, वो अब अगेन बढ़ के 30 जून 2020 हो गई है। एक बहुत बड़ा एक और रिलीफ दिया गया टैक्स सेविंग का। जैसे कि हम बात करते हैं टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट की, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा, उनकी भी ड्यू डेट बढ़ के 30 जून हो गई है। एंड लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट व्यापारी वर्ग के लिए, हमारी जो रिक्वायरमेंट TDS, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, जिनकी ड्यू डेट्स पेमेंट की 20 मार्च 2020 से 30 जून के बीच में है, उनके पेमेंट गवर्नमेंट ने, अगर डिलेड पेमेंट है तो उस पर इंटरेस्ट रेट घटा के 9% कर दी है, 18% की जगह। जी हाँ, बिल्कुल आ गई, एक रिलीफ है। और सबसे बड़ा रिलीफ इसमें ये दिया गया है, आपके जो ये रिटर्न फाइलिंग है, इस पे कोई पेनल्टी, लेट फीस कुछ भी नहीं लगने वाली। तो जी हाँ, ये मेजरमेंट जो रिलीफ के थे, ये थे इनकम टैक्स से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं GST की। GST में बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया, क्योंकि सारा लॉकडाउन है, एसएससी इस पोजीशन में नहीं है कि वो कैलकुलेट कर सके, इनपुट के लिए वेंडर को बोल सके कि कैलकुलेशन की जाए, बहुत सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया, फरवरी मंथ, मार्च एंड अप्रैल 2020, इन सभी का जो ड्यू डेट्स है 30 जून कर दी गई है। इसलिए ये भी जो ड्यू डेट्स आगे की गई है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना और लेट फीस नहीं देनी है उन असेसीज के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक ही है। ध्यान रखें, जिन तक टर्नओवर 5 करोड़ तक ही है। बात करते हैं उन असेसीज की जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए भी रिलीफ दी गई है। उनके लिए कोई लेट फी पेनल्टी नहीं है, परंतु इंटरेस्ट लगेगा। अगर डिलेट पेमेंट है, उसकी रेट हाफ कर दी गई है, 9% इंस्टीट्यूट ऑफ 18%। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें आप। तो ये जो मेजर GST रिलीफ ये दिया गया है। और एक और खास तौर पे हमारे व्यापारी वर्ग टर्म लोन ये सब ऑप्ट करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, उनके लिए EMI के लिए बहुत सहूलियत कर दी गई है। गवर्नमेंट ने EMI का डेफरमेंट किया है 3 महीने, बिल्कुल 3 महीने का। इसके अंदर आपके टर्म लोन उसमें इंक्लूड है, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट भी इंक्लूड किया गया। कल क्लेरिफिकेशन आया मेरे अर्लियर वीडियो में, ये EMI से रिलेटेड बताया गया है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो ये सारे मेजरमेंट दिए गए हैं। यहाँ हमें व्यापारी वर्ग को ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर शिफ्ट हो गया। मेजर जो आप कहते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन, तो हमारी क्लोजिंग वैसे ही होनी है जैसे होनी है, सारे प्रोविजन, सारे ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग सब वैसे ही चलेंगे जैसे कि होते आए। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, क्लेरिफिकेशन चाहिए, प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट डाल सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक्स अ लॉट।